गणतंत्र दिवस की भी सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हमने नींव रखी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस कम्युनिटी हॉल की, और आज मुझे खुशी है कि आज जिस दिन संविधान लागू किया बाबा साहब ने, आज के दिन इस भवन का लोकार्पण किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो सुविधाएं हमारे लोगों को, छत्तीस कौम के लोगों को, जितनी सरकार की, जितनी हम स्वयं की तरफ से, चेयरमैन जी की तरफ से, हमारे सभी टीम के कार्यकर्ताओं से जो सेवा और भावनाओं के साथ हम लोग आम जनता के साथ लगे हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे रहा है हमेशा। और ये भवन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आप देखते थे यहाँ पे किस तरह के हालात थे। आज ये ऐसे लगने लग गया कि कोई टाउन में हम लोग बैठे, सिटी वाला सिटी का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी गांव का कार्यक्रम है, कुछ भी लोग है, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया नवलगढ़ में, अब उसका भी लोकार्पण हम लोग जल्दी करेंगे ताकि बच्चे उसमें रहकर पढ़ाई कर सके। गरीब व्यक्ति पढ़ाने में दिक्कतें आती हैं उसको, हम चाहते हैं कि जब सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिली हुई हैं तो उन सुविधाओं का लाभ हम लोग आम आदमी को दिला सकें, ये मेरा प्रयास है हमेशा। इसलिए एक बार पुनः सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस हमारे कम्युनिटी हॉल के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई देती हूँ। इसी अवसर पर मुकुंदगढ़ में जो अम्बेडकर भवन का जो शिलान्यास हुआ है, ये एक अम्बेडकर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके लिए मुकुंदगढ़ वासियों को तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं राष्ट्रीय ध्वज को नमन करता हूँ और इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेरे मुकुंदगढ़ शहरवासियों को सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये लगातार पांचवा मेरा जो गणतंत्र दिवस समारोह था बागेवाड़ा स्टेडियम जो सामूहिक रूप से मनाए हैं, उसमें मेरी मुकुंदगढ़ जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मुझे पूरा सहयोग मिला। थाना अधिकारी उनका सहयोग मिला, जितने भी दफ्तर हैं उनका सबका हमें सहयोग मिला। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा सहयोग किया। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी टीम लगातार दिन रात मेरे साथ काम कर रही थी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीओ साहब हमारी जो नगर पालिका कर्मचारी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज इस पावन पर्व पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो विधायक नवलगढ़ है वो हमारे बीच जो गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे, उन्होंने अम्बेडकर भवन और शौचालय सुलभ शौचालय जो दो बड़े हमारे उनका उद्घाटन उन्होंने किया अपने हाथों से, और आज मुकुंदगढ़ जनता को समर्पित कर दिए हैं दोनों, उनकी सेवा में वो इसको यूज कर सकते हैं। आज से उनके लिए खुला है। और मैं संजीव जी भाई साहब सरोलिया, श्याम सुंदर जी सरोलिया जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे मुकुंदगढ़ के, उनके सुपुत्र भी आज गणतंत्र दिवस समारोह पर आधारित थे और इस उद्घाटन समारोह में भी वो उपस्थित हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारा सहयोग किया है उसके लिए हृदय से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। जय जवाहर।